हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स, तो आज बेटा जो है वो हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं एवरेज। तो देखिए एवरेज क्या होती है कि एवरेज क्या होती है, एवरेज देखिए एवरेज रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। कि एवरेज जो है वो क्या होती है कि जो हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनका सम कर दें प्लस जो हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो होता है हमारा एवरेज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एवरेज को हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखिए इसको उदाहरण से जो है वो समझते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं, तो उससे आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा है फर्स्ट एग्जांपल, देखिए द वेट ऑफ फाइव बैग्स ऑफ राइस आर 25 kg, 28 kg, 24 kg, 30 kg एंड 23 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ईच बैग। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने बैग हैं, फाइव बैग्स हैं और सबकी क्या है क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है, यानी किसी में 25 kg हैं, 28 kg, 24 kg, 30 kg, 23 kg। तो ये जो हमें दिया गया है अमाउंट, यानी कि 25, 24, 30, 23, तो ये क्या है हमारा जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, हमारी नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 5, यानी कितने बैग हैं 5, और ऊपर जो दिया है वो हमारी क्या है गिवन वैल्यू है एक बैग के हिसाब से। तो इनका हमें क्या कर देना है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है उसको हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है, यानी कि इन बैग्स का जो वेट है उसको सभी को प्लस कर देना है और जितने बैग हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो देखिए इनको प्लस कर देंगे और जितने नंबर ऑफ बैग्स हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, तो इन सब का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 130 kg और नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 5। तो एवरेज जो है वो इनको डिवाइड करके निकालेंगे तो एवरेज कितनी आ गई हमारी 26 kg एवरेज आ गई, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर हमें दिए गए हैं वो उनका प्लस कर दो प्लस जितने वो नंबर हैं उतने से उसको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, देखिए 4 सेक्शन, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो गई 4, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास कितने हो गए 36, 32, 40 एंड 24, तो इनका प्लस करके डिवाइडिंग बाय 4 कर देंगे तो हमारी एवरेज जो है वो आ जाएगी। तो यही जो है वो आपका एक्सरसाइज 8.2 के अंदर है कि आपको क्या करना है एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे एक जो है वो सब मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है 6 hours इन रिकॉर्डेड बिलो, तो फर्स्ट आवर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ आवर, 6 hours की हमें यहाँ पे जो है वो स्पीड या डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है किलोमीटर्स के अंदर, कितने आवर्स का है 6, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी 6 और जो सम होगा वो किनका होगा 45 प्लस 48 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 50, ठीक है, यानी कि क्या होगी नंबर जो होगा वो वैल्यूज़ का 6, इन सब का प्लस करके डिवाइडिंग बाय 6 कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी एवरेज आ जाएगी। सेम ऐसे ही जो है वो हमारा है सेकंड का, सेकंड सम में भी सेम ऐसे होगा, बाकी के जो सम है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज क्या होती है, आप जो है वो शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हो या कहीं सेल वगैरह लगी होती है तो वहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है 50% डिस्काउंट या 50% एक्स्ट्रा या 80% लेस हो गया हमारा, है ना, कि 50% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, सेल सेल 50% की सेल, है ना, तो इस तरीके से मिलता है। तो वो क्या परसेंटेज है क्या एक्चुअल में, तो देखिए क्या है कि अ परसेंटेज इज़ द कंपैरिजन ऑफ अ पोर्शन विद होल अमाउंट। कि परसेंटेज क्या होती है, जो हमारी पूरी की पूरी अमाउंट है उसका कंपैरिजन होता है एक छोटे से पोर्शन का, वो हमारी परसेंटेज बन जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे क्या है 10%, तो परसेंटेज होती है वो हम आउट ऑफ 100 निकालते हैं हमेशा, जहाँ
परसेंटेज है वहाँ आउट ऑफ 100 आएगा, तो 10% यानी कि 10 out of every 100 यानी कि 100 का दसवां हिस्सा है ये, तो 10 by 100। इसी प्रकार से 25%, 25% का मतलब है 25 by 100 यानी 100 का 25वां हिस्सा। ठीक है, आगे देखिए कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल्स, कि परसेंटेज को हम जो है वो फ्रैक्शन या डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में तो हमने ऊपर से ही लिया है कि जहाँ परसेंटेज होती है उसके बाय में 100 लगा देना है हमें। ठीक है, जैसे 18% है तो 18 by 100, 30% है तो 30 by 100, ठीक है 45% है तो 40 by 100, और उसको सिंपल फॉर्म में बना देना है। ठीक, उसके बाद आता है कि डेसिमल कैसे लगाना है। तो डेसिमल हम पीछे करके आ चुके हैं कि नीचे 100 होता है तो इजीली हम जो है वो डेसिमल लगा सकते हैं। तो जैसे कि 22%, तो 22 by 100, अब इनको डेसिमल में बनाना जो है वो हम पीछे सीख चुके हैं कि यहाँ पे कितनी हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ से ऊपर से भी हम 2 नंबर्स को पहले राइट कर लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो सेम वही जो है वो यहाँ करना है हमें। तो ये था हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। अब देखिए कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, अब कोई फ्रैक्शन दिया हो उसको परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, कि एक तो होता है कि जिसके नीचे 100 दिया हुआ है, तो जिसके नीचे 100 दिया हो वो उतने ही परसेंट बन जाएंगे। जैसे 32 by 100 है तो 32%, 60 by 100 है तो 60%। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके नीचे 100 नहीं होता, उनको कैसे बनाएंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, देखिए जैसे है 1 by 2, 4 by 5, 7 by 20 या 8। अब इनके नीचे क्या है, 100 नहीं है, तो अब 100 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनके नीचे 100 बना देंगे। तो बनाएंगे कैसे, कि 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाए, तो 50 से, है ना। तो 1 by 2 50 से नीचे की है तो 50 से ही ऊपर करना पड़ेगा, हम फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो 50 by 100 यानी 50%। इसी प्रकार से 4 by 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 100 बन जाएंगे हमारे, तो 20 से ही ऊपर करेंगे, तो 4 × 20 = 80, 5 × 20 = 100 यानी 80%। ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं जिनके नीचे कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, जैसे सिंपल 8 दिया हुआ है, तो हम मैंने बताया था फ्रैक्शन के अंदर कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 8 by 1। तो अब 1 की मल्टीप्लाई 100 से ही करनी पड़ेगी तभी 100 बनेंगे, तो 100 की मल्टीप्लाई ऊपर की हमने, तो 8 × 100 800 बाय में 100 यानी 800%। इसी प्रकार से जो है वो हम डेसिमल से भी जो है वो बनाएंगे, तो जो डेसिमल दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उसमें हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 100 से, इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर, कि एक क्वांटिटी को दूसरी के परसेंटेज में शो करना। कैसे, जैसे देखो कि 15 पैसे out of 75 पैसे यानी कि 15 पैसे जो है वो 75 पैसे का कितने परसेंट हैं, या अगर हम कहें 30 gram out of 1500 gram कि 300 ग्राम जो है वो 1500 ग्राम का कितना है। तो इसको कैसे करेंगे कि जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 15 पैसे की परसेंटेज निकालनी है, तो 15 पैसे ऊपर कितने में से निकालनी है, 75 में से, तो उसको 75 को हम नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेम जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो। ठीक है ना, जैसे कि आपके एग्ज़ाम कितने मार्क्स के हुए, जैसे कि आपके एग्ज़ाम हुए 600 मार्क्स के। ठीक है, आपके एग्ज़ाम हुए 600 मार्क्स के और आपने जो है वो उसमें नंबर लिए 500, तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी कि आपने 500 मार्क्स लिए 600 में से, तो उसकी परसेंटेज के लिए आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारे वो मार्क्स की परसेंटेज आ जाती है। तो इसी तरीके से जो है वो हमें इसमें से निकालना है कि जैसे 40 सेंटीमीटर आउट ऑफ 120 सेंटीमीटर,
कि यानी कि 40 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। इसके बाद आपके कुछ जो हैं वो सम हैं जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में हैं। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, कि कोई क्वांटिटी की परसेंटेज निकालनी है। जैसे हमें सीधा निकालना है कि 60 का 15% कितना होगा, 15% ऑफ 60। तो ऑफ का मीनिंग मैंने पहले बताया था मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो 15/100 हो जाएगा। तो 60 × 15/100 × 60 या 60 × 15/100। सेम ऐसे ही 30% ऑफ 120, तो 120 × 30/100 या 30/100 × 120। ठीक है, और इनको सिंपल फॉर्म में कर देंगे। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 8.3 जो आपने करनी है। तो इसमें आपने करनी है एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।